नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है सुपरहिट शो दंगल का। आज के दंगल में भड़काऊ बयान पर सियासी कोहराम की खबर है। पश्चिम बंगाल में महुआ मोइत्रा ने देवी काली पर जो आपत्तिजनक अपमानजनक बयान दिया, उसे लेकर अब राजनीतिक हमले तेज होने लगे हैं। महुआ मोइत्रा के खिलाफ दूसरे राज्यों में केस दर्ज हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि ममता बनर्जी ने आज एक कार्यक्रम में बिना महुआ मोइत्रा का नाम लिए ये कहा कि काम करने वालों से गलती हो ही जाती है और उसे सुधारा भी जा सकता है, लेकिन महुआ मोइत्रा माफी मांगने को तैयार नहीं दिखती। महुआ मोइत्रा ने 2 ट्वीट किए हैं, एक में कविता लिखी है, दूसरे में लिखा है कि उन्हें ऐसे भारत में नहीं रहना है। उधर कनाडा में काली पोस्टर जारी करने वाली महिला ने फिर एक पोस्टर डालकर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने की कोशिश की है। इसे लेकर भी विवाद बढ़ रहा है। उस महिला के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कराने की मांग की जा रही है। इन्हीं विवादों को लेकर आज हम दंगल में अलग अलग राजनीतिक पक्षों, धार्मिक जानकारों और कानून के एक्सपर्ट के साथ बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। कनाडा के काली पोस्टर से निकली बात अब हिंदुस्तान की बदनामी तक पहुंच चुकी है। एक तरफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, शिकायत, एफआईआर चल रही है और दूसरी तरफ ट्विटर से ट्विटरबाजी। पिछले 24 घंटे में महुआ मोइत्रा ने ट्विटर पर 2 पोस्ट लिखे हैं। इसमें एक कविता है जो शायद महुआ ने अपनी पार्टी वालों के लिए लिखा है और दूसरे पोस्ट में महुआ ने भारत को पाषाणकालीन व्यवस्था वाला देश बताकर इसे छोड़ देने की इच्छा जाहिर की है। सवाल ये पैदा होता है कि यदि टीएमसी की सरकार सही मायनों में ये मानती है कि आपत्तिजनक बयान है, तो अभी तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा कर लुकआउट नोटिस क्यों नहीं दिया गया है और अभी तक उनके ऊपर पार्टी के स्तर पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। महुआ मोइत्रा ने मामूली से सवाल पर ऐसा जवाब दिया जो सनातन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली थी। महुआ के इस बयान के साथ ना तो उनकी पार्टी खड़ी है और ना ही लगता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खड़ी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने बिना महुआ का नाम लिए कहा है, जो काम करता है उससे गलती हो सकती है, इसे ठीक किया जा सकता है, इसके लिए इतना चिल्लाना क्यों? एक तरफ ममता बनर्जी बिना महुआ का नाम लिए गलतियां सुधारने का बयान देती हैं, दूसरी ओर महुआ मोइत्रा 28 पंक्तियों की एक कविता लिख डालती है और उसे भी एक भारतीय नागरिक की तरह पेश करती है। इस कविता की पहली 4 पंक्तियों का मतलब है कि उन्हें जेल जाने का डर दिखाया जा रहा है। दूसरी 4 पंक्तियों में सवाल है कि उन्हें चुप रहने को क्यों कहा जा रहा है। तीसरे स्टंजा में कहा गया कि ये सब कुछ चुप रहने का नतीजा है। चौथी 4 पंक्तियों में जेएनयू से लेकर पेगासस और किसान आंदोलन की ओर इशारे हैं। पांचवी 4 पंक्तियों में कहा गया है कि काश अगर सब बोले होते। छठी 4 पंक्तियों में तंज लिखी गई है कि और चुप रहो तो यही होगा। और सातवीं 4 पंक्तियां चुनौती देती दिखाई पड़ती हैं कि चुप मत कराओ, आओ साथ खड़े हो जाओ। लेकिन महुआ के बयान पर टीएमसी बिल्कुल साथ खड़ी दिखाई नहीं देती। पहले ही महुआ के बयान को निजी बयान बता चुकी टीएमसी ने अब कोलकाता के विख्यात दक्षिणेश्वर काली मंदिर की ओर से किए गए ट्वीट्स को रीट्वीट किया है और इसमें यही लिखा हुआ है कि देवी काली की उपासना के तरीके कई हो सकते हैं, लेकिन काली पोस्टर की घोर निंदा की जाती है। और कनाडा के काली पोस्टर पर जब महुआ मोइत्रा से सवाल पूछा गया था तो टीएमसी शायद ऐसा ही जवाब महुआ मोइत्रा से चाहती थी। देखिए, कलकत्ता माँ काली का सीट माना जाता है, उनका स्थान माना जाता है, वहां पर बैठ के माँ काली का अपमान किया जाए तो दक्षिणेश्वर मंदिर के जो अर्चक हैं, जो पुजारी हैं, वो उसको कैसे मान लेंगे? जो लाखों करोड़ों श्रद्धालु जिनकी आस्था है माँ काली में, वो कैसे मान लेंगे इस बात को? और ममता बनर्जी की चुप्पी और कोई कार्रवाई ना करना, यहां तक कि अपने सांसद को सस्पेंड भी ना करना, ये सवाल ममता बनर्जी के राजनीति और उनके आचरण पे खड़े होते हैं। आवर पार्टी इज अ सेक्युलर वन, इट रेस्पेक्ट्स ऑन रिलीजन एंड आवर पार्टी डज नॉट वांट टू गो इनटू एनी रिलीजियस कंट्रोवर्सी एंड एज सच द पार्टी डज नॉट अप्रूव ऑफ महुआ मोइत्रा स्टेटमेंट व्हाटएवर शी सेज। हालांकि महुआ मोइत्रा के खिलाफ पश्चिम बंगाल में कोलकाता के कृष्णानगर, सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक शिकायतें दी जा चुकी हैं। इसके अलावा असम से लेकर मध्य प्रदेश तक केस दर्ज हो चुके हैं। आज तक ब्यूरो।
क्या महुआ को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए? आज दंगल में ये हमारा सवाल है और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय शर्मा जी, स्पोक्स पर्सन टीएमसी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, आप वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। वारिस पठान साहब हमारे साथ स्पोक्स पर्सन AIMIM के इस वक्त मौजूद हैं। विक्रम सिंह जी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। तौसीफ खान वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोलकाता से। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्योंकि महुआ मोइत्रा की ओर से जो ट्वीट किए जा रहे हैं बार बार, उसमें उनकी ओर से जिक्र किया गया है कि ऐसे भारत में उन्हें नहीं रहना जहां पर कट्टरता सिखाई जाती है, और कम से कम उनकी बॉडी लैंग्वेज और ट्वीट को देखकर लग रहा है कि वो झुकने वाली कतई नहीं है। अब क्या करेंगे आप लोग? ये उद्दंडता है किसी की भी, ये वाचिक उद्दंडता है, और इस तरह की वाचिक लिखित उद्दंडता जिससे तमाम लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, किसी भी लोकतांत्रिक संवैधानिक देश में अस्वीकार होगा। वो कहां जाकर रहना चाहती हैं? कुछ देशों में तो सर तन से जुदा होने का नारा लगने लगेगा अगर वहां पर जो है इस तरह के ट्वीट हो जाएंगे। ऐसे 50-60 देश हैं, ऐसे भी देश हैं आपके अमेरिका में, ब्रिटेन में, वहां के बहुसंख्यक आबादी के या अल्पसंख्यक आबादी की ही आस्थाओं पर प्रहार करके उसको लोकतंत्र या व्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। वहां के संविधान को, वहां के कानून को, वहां की आस्था को, वहां की परंपराओं को, वहां की संस्कृति को स्वीकार करना पड़ता है। तो महुआ मोइत्रा की बात का समर्थन तो स्वयं ममता बनर्जी जी भी संकेतों में नहीं कर पा रही है। अलग बात है कि वो उस पर कार्रवाई करने से उनको संकोच है, बाकी और किसी धर्म की बात होती तो अब तक कार्रवाई हो चुकी होती, उसके लिए वारंट इश्यू हुए हो चुके होते, बंगाल की पुलिस दरवाजे तक पहुंच गई होती। लेकिन चूंकि उनकी सांसद यह कार्य कर रही है, उस पर उनको जो है संकेत में बोलना पड़ रहा है। यह भी ममता बनर्जी की एक तरह की जो है उनका दोहरा रवैया है। मैं चलती हूँ अब सीधे टीएमसी प्रवक्ता के पास, क्योंकि आपने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। संजय शर्मा जी, ये महुआ मोइत्रा का बयान तो टीएमसी के लिए गले की फांस बन गया है। ना आप उगल सकते हैं, ना निगल सकते हैं, ना कार्रवाई करते हुए दिखाई देना चाहते हैं। समझाइश चल रही है, लेकिन महुआ मोइत्रा समझने को तैयार नहीं, और अब तो वो आप ही लोगों को कविता के जरिए समझा रही हैं। वो कह रही है स्टैंड विथ मी, कविता लिखी पढ़ी आपने? तो महुआ मोइत्रा का जो बयान है वो गलत है या सही है? अगर उनका बयान गलत है तो क्यों नहीं कार्रवाई करती है टीएमसी उनके खिलाफ? देखिए ऐसा है, अभी मैं माननीय भाजपा प्रवक्ता जी को सुन रहा था, बहुत रस लेकर इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, और यह स्वाभाविक तौर पर उनसे तो ऐसी प्रतिक्रिया की आशा की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि महुआ मित्रों जी ने जब ये बयान दिया, हमारी पार्टी ने हाथों हाथ उस बयान को असंबद्ध, उस बयान से खुद को असंबद्ध किया। महुआ मित्रा क्यों नहीं माफी मांग रही है? आपने क्यों कहा कि माफी मांगो अपने बयान पर? वो तो आप ही लोगों को समझा रही है कविता लिखकर, वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। और वो भावनाएं इंसान कैसे व्यक्त करेगा ये उसके अपने ऊपर निर्भर करता है। और जहां तक हमारी पार्टी की बात है, हमने तो हाथों हाथ किया। अभी भाजपा प्रवक्ता कार्रवाई की बात कर रहे थे, अब बताइए नूपुर शर्मा एपिसोड में जब अरब देशों में भारतीय भारत की आजादी के 75वें वार्षिकोत्सव में जब अरब देशों में हमारे खिलाफ आवाजें उठने लगी, तब अरब आकाओं को खुश करने के लिए, नाम मात्र को दिखाने को कार्रवाई भी कितने दिन लगा दिए। हमने हाथों हाथ महुआ मित्रों जी के बयान को खंडन किया और ये कहा कि पार्टी का इससे कोई सरोकार नहीं है, ये उनकी व्यक्तिगत राय है। उन्होंने तो पार्टी से निकाल दिया है, आपने क्या किया? और कौन से देश में विरोध हुआ महुआ मोइत्रा को लेकर जिसके बाद आप लोग कार्रवाई के इंतजार में हैं? जी सवाल समझ में आया मेरा? नहीं, आप एक बार फिर बताइए। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि उन्होंने तो पार्टी से निकाल दिया, नूपुर शर्मा के बयान से अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लिया। नूपुर शर्मा ने भी अपने बयान पर माफी मांग ली, उनका बयान गलत था, उन्होंने माफी मांगी। तो वैसे ही अगर हिंदू धर्म की आस्था, और यहाँ पर करोड़ों लोग हैं जो इस बात को मानते हैं, वो आस्था रखते हैं माँ काली में, अगर उनको लेकर इस तरह का बयान दिया गया है, आपके सांसद तो माफी मांगने तक को तैयार नहीं है। नहीं, वो और आपको किस देश का इंतजार है कि कौन से देश में इसको लेकर विरोध हो जिसके बाद टीएमसी कार्रवाई करेगी अपने सांसद को लेकर? नहीं, एक बात मुझे बताइए, ये तो इस यहाँ तो पार्टी ने हाथों हाथ कार्रवाई की है। जब सुप्रीम कोर्ट ने
नुपुर शर्मा के संबंध में जो राय रखी, अपनी जो बातें कही, उसके बाद वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुई। भाजपा प्रवक्ता क्या कार्रवाई कर रही है? उसे केंद्रीय सुरक्षा मिली हुई है, केंद्र सरकार उनको सुरक्षा दे रही है। दुनिया भर की जब विभिन्न राज्यों की पुलिस उनसे मिलने जाती है, वो ट्रेसेबल नहीं है, और भाजपा प्रवक्ता हमसे सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, इसमें प्रेम शुक्ला जी आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं अश्वनी जी फौरन आपके पास आऊंगी। ठीक है, आपके सवालों पर प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद वारिस पठान जी मैं आ रही हूं आपके पास। देखिए, जैसा प्रेम शुक्ला जी से पहली बार नहीं पूछे, पूछे नहीं, कृपा करके बीच में ना बोली। पहले जब दिलीप घोष, मेरी बात हो जाए, के बारे में जब आपत्तिजनक बात कही थी कि माँ दुर्गा का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता, क्या आपकी पार्टी ने इस बात की कोई आवश्यकता भी समझी कि उन्हें समझाया जाए कि आप ऐसे अनर्गल बयान और अनर्गल प्रलाप न करें राष्ट्रीय मीडिया में? और माँ दुर्गा का हमारे शास्त्रों में जिक्र तक नहीं है, दिलीप घोष ऐसा कहते हैं और आपकी पार्टी उन्हें इंडोर्स करती है, और आप कार्रवाई हमसे करने के लिए कहते हैं? ठीक है, प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। प्रेम शुक्ला जी, वो आपको आईना दिखा रहे हैं, आपके भी बहुत सारे नेता बहुत तेरे हैं ऐसे। वो आईना नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि अपने आईने पर जो है धूल साफ करने का प्रयास कर रहे हैं, जो चेहरे पे उनके लगी हुई है उस धूल को साफ करने का प्रयास आईने पे कर रहे हैं। देखिए, दो प्रश्न उनके हुए, एक पहला प्रश्न जो नूपुर शर्मा के संदर्भ में कि नूपुर शर्मा के संदर्भ में हमारी पार्टी ने कार्रवाई की, हमारे जनरल सेक्रेटरी मुख्यालय आदरणीय अरुण सिंह ने प्रेस बयान देकर स्पष्ट किया कि हम किसी भी आस्था पे प्रहार करने वालों के विरुद्ध है, ये बहुत स्पष्ट हमारी ये है। अब उनके खिलाफ जो कानूनी प्रक्रिया है वो चल रही है। दूसरी बात, अब दूसरी बात सुन लीजिए, बीच में बोले चित्रा जी कैसे चलेगा, मैं तुमको बोल लेने दीजिए वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं धैर्य से सुन रहा था, मैं इनको धैर्य से सुन रहा था। ठीक है, अब इनके ये कृपा करके बताएं कि महुआ मोइत्रा को निकालने में इनको भय क्या है? काली माता का अपमान करने वाली जो बंगाल की आराध्या है, उन काली का अपमान करने वाली से इतना प्यार क्यों है भाई? आपकी बंगाल पुलिस तो नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़ी, महुआ मोइत्रा पर FIR क्यों नहीं दर्ज कर रहे, क्या प्रॉब्लम है? दूसरा, आपने बोला शास्त्रों में कौन देवी है नहीं है ये कहना, और उनका अपमान करना, LGBTQ का पोस्टर लेकर खड़े कर देना, यानी माँ काली के बारे में उनकी यौन विकृति के वाला पोस्टर देना, इससे बड़ा अपमान होने के बाद भी आप बेशर्मी से महुआ मोइत्रा का समर्थन कर रहे हैं? बंगाल की धरती पे खड़े होके, जहाँ शक्ति पूजा की जो धरती है, जहां से शक्ति पूजा की परंपरा प्रारंभ होती है, उस बंगाल में इस तरह से माँ काली का अपमान, फिर बीच में बोल रहे हैं चित्रा जी। ठीक है, ठीक है, एक एक करके जल्दी से आप अपनी बात खत्म कीजिए, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन प्रेम शुक्ला जी ये बात तो सही है ना, बोरा मानदंड कुशल बहुत तेरे दूसरों को तो उपदेश देना बहुत आसान है, दोनों ही लोगों पर ये लागू होता है, लागू है बीजेपी पर भी, टीएमसी पर भी, बिल्कुल हम पर बिल्कुल लागू नहीं है। मैं बात कह रहा हूं, रंच मात्र भी लागू हम पर नहीं है, लेकिन टीएमसी पर 100% लागू है। इस बीच केंद्र सरकार ने सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सिलेंडर के दाम पे आगे, इसलिए माँ काली का अपमान सह ले। तो डिसाइड कर लीजिए कि आप यहाँ पर महुआ मोइत्रा ने जो बयान दिया उस पर आप कहिए। महंगाई तो बहुत बड़ा मुद्दा है, घेरिए ना सरकार को, उठाइए हर जगह मुद्दा, कौन मना करता है? आप लोग भी तो टीवी चैनल का इंतजार करते हैं कि जब डिबेट में बैठेंगे उसी समय महंगाई महंगाई करेंगे, उसके अलावा हमने तो नहीं देखा कि उस तरह का संघर्ष आप लोग। ठीक है सर, समझ में आ गया, सिर्फ टीवी चैनलों पर ही आप लोगों को महंगाई समझ में आती है। मैं सीधे वारिस पठान जी के बाद में अश्विनी जी फौरन आपके पास आऊंगी। वारिस पठान जी, सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि अगर कोई भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बयान है तो वो किसी भी पक्ष का हो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। अभी टीएमसी की नेता सांसद की ओर से जो बयान दिया गया है उस पर क्या मत है आप लोगों का? क्योंकि नुपुर शर्मा वाले मामले में तो बीजेपी को बहुत घेरा था आप लोगों ने। देखिए चित्रा जी, मैं महुआ मोइत्रा का तो मैं वो नहीं हूँ स्पोक्स पर्सन, ना मैं टीएमसी का हूँ, मैं अपनी बात रखता हूँ। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, इंसान को बोलने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी किसी दूसरे के रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट करने का अधिकार नहीं है। अब जो भी कानूनी, हमने तो हमेशा से ऐसे बयानों का खंडन किया है, हम अभी भी कर रहे हैं खंडन। हमने जब सरतन से जुदा की बात हुई थी तब भी हमने खंडन किया था, मगर कल ही महंत राजू दास अयोध्या के जो उन्होंने कहा कि सरतन से जुदा करना चाहिए, तो उसका तो खंडन अब तक भाजपा के प्रवक्ता या किसी प्रवक्ता ने किया नहीं है। बात नंबर दो, अब तक ये जो देश में चला आ रहा है स्पीच के ऊपर, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार कौन है? नूपुर शर्मा। आपने उसका जिक्र किया, मैं बताता हूँ। नूपुर शर्मा ने हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, हमने क्या कहा?
उसके ऊपर एफआईआर है, उसको अरेस्ट करो, कोर्ट में ले जाओ और जो भी कानूनी प्रतिक्रियाएं हो उसके तहत उसको सजा मिले या छूटे जो भी हो। अब तक भाजपा वाले उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे, चलिए मुझे बताइए। ये हमारे पैगंबर के खिलाफ बात की गई थी तभी भी उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। अब आपने कहा कि उसने माफी मांगी, नहीं, नुपुर शर्मा ने माफी नहीं मांगी, उन्होंने इफ्स एंड बट्स में बात कही। ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज जो मेरे और आपसे बड़े सिटिंग जजेस है, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि माफी मांगना चाहिए था उसको पूरे देश के सामने आके, पर अब वक्त चला गया। ये भी उन्होंने कहा, यह तक कहा कि उदयपुर की जो घटना हुई पूरी जवाबदार उसकी नुपुर शर्मा है, मगर फिर भी उसको आज तक भाजपा बचा रही है। क्यों बचा रही है? क्या वो आसमान से टपक के आई है उसको बचा के फायदा क्या? अभी किसी ने कहा कि हमने नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की, क्या कार्रवाई की? खाली आपने सस्पेंशन, क्या सस्पेंशन सजा है? तो टीएमसी भी तो सजा है क्या? चित्रा जी ने और सस्पेंड चुने हुए प्रतिनिधि ने, उन पर भी कुछ बोल लीजिए, फिर मैं अश्विनी जी फौरन आपके पास आती हूँ। हमारे साथ विक्रम सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, तो जी हाथ कर दिया है उनकी प्रवक्ता ने, जो एमपी ने तो खुद ही की रिलीजन के बारे में गलत कह दिया है। अभी जो भी कानूनी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, खुद ही के रिलीजन के बारे में कहा ना उन्होंने, कार्रवाई करिए। मगर मेरा सवाल आज भी यही है चित्रा जी, मैं बार बार एक महीने से आपके सामने दोहरा रहा हूँ कि भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा को हिरासत में क्यों नहीं लिया गया? किसी ने कहा कि हमने उसको सस्पेंड किया? अरे सवाल तो महत्वपूर्ण है, ठीक है, मैं लौट जब कतार, कुवैत, ईरान, दुनिया भर वालों ने हमारे एम्बेसडर्स को बुलाया, उसे माफी मंगवाई, जायज नहीं ठहराया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर बीजेपी लगातार घेरने की कोशिश कर रही है अगर महुआ मोहित्रा को, चलता रहेगा। तो ममता बनर्जी भी पलटकर आप लोगों से यही सवाल पूछ रही हैं, नुपुर शर्मा के मामले में हिला हवाली की गई, अब बड़ी सारी किताबें भी लेकर आए हुए हैं, क्या बताना चाहते हैं? नहीं, चित्रा जी, मेरा ये कहना है पाखंड किसी का हो, पाखंड गांधीवाद का हो, पाखंड सेकुलरिज्म का हो, पाखंड समाजवाद का हो, पाखंड किसी भी चीज का जो पाखंड होता है ना, वो हमेशा हानिकारक होता है। कौन कर रहा है पाखंड? और एक बात मैं अपनी कहता हूं, डॉक्टर कितना ही अच्छा हो दवा घटिया होगी बीमारी बढ़ेगी, ड्राइवर कितना ही अच्छा हो गाड़ी घटिया होगी यात्रा सुरक्षित नहीं होगी, वैसे ही शासक कितना अच्छा हो अगर कानून घटिया है नियम घटिया है तो अराजकता फैलेगी और अराजकता फैल रही है। मेरे हाथ में ही अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है, भारत में इंडियन सिविल इंडियन पिनल कोड चलता है और अमेरिका में ये फेडरल पिनल कोड चलता है, शायद दिख रहा होगा आज तक के करोड़ों दर्शकों को। आखिर जो चीजें भारत में हो रही है वो अमेरिका में क्यों नहीं होती? अमेरिका में इस तरीके से बदजुबानी क्यों नहीं होती? कोई अमेरिका में खड़े होकर क्यों नहीं कह देता कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मैं सारे अमेरिका वालों को काट के फेंक दूंगा? कोई अमेरिका में ईसा मसीह की इंसल्ट क्यों नहीं करता? क्यों? क्योंकि वहां पे 50 साल से लेकर 100 साल तक की सजा होती है और अमेरिका में तो आदमी जिंदा भले 100 साल रहता है, 500 साल, 1000 साल, मेरे पास तो लिस्ट है पूरी, मैं आपको दिखा सकता हूं, जहां एक व्यक्ति को चीटिंग किया था उसको 1,41,000 साल की सजा हुई, ऐसी सजा होती है अमेरिका में। यहां चूंकि 1860 का जो घटिया इंडियन पिनल कोड चल रहा जो मैकाले ने बनाया था उसमें 153 या 295 इस तरीके से इतना वेग है, इतना ज्यादा उसमें झोल है कि अगर अच्छा वकील रहेगा तो वो बरी हो जाएगा, थोड़ा कमजोर वकील होगा तो 2 साल की सजा हो जाएगी, और कमजोर वकील हो जाएगा 3 साल की सजा हो जाएगी, तो टोटल और सजा कैसे होगी? कानून में ही झोल है, बिल्कुल पूरी तरीके से। मैं और खासतौर पर आप देखिए जितनी भी आप चर्चा करेंगे, जितने ये बैठे हुए ये तू मैं करेंगे, नूरा कुश्ती करेंगे, आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, तू चोर मैं सिपाही खेलेंगे, पुलिस रिफॉर्म की बात कभी नहीं करेंगे, जुडिशियल रिफॉर्म की बात कभी नहीं करेंगे, इलेक्शन रिफॉर्म की बात कभी नहीं करेंगे, जो घटिया कानूनों को बदलने की कभी बात नहीं करेंगे। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, भारत में जब तक इंडियन पिनल कोड है इसी तरीके से देवी देवताओं का अपमान होगा। आप अमेरिका का फेडरल पिनल कोड की कॉपी करिए, अगर हमें विदेशी कानूनों से देश चलाना है तो 150 साल पुराने अंग्रेजी कानून से क्यों? आज जो अमेरिका में चल रहा है उसको लागू करने में क्या दिक्कत है? आप अगर एक व्यक्ति अपराध करे आप उसको तुरंत सजा दे देंगे तो दूसरा आदमी अपराध करने से डरेगा। हाँ। अगर आपने एक व्यक्ति अपराध किया उसको 10 साल तक उसका मुकदमा चलता रहेगा तो इस बीच वो 10 अपराध खुद भी कर चुका होगा। ये सुधार करेगा कौन? सवाल तो बड़ा है ना, ये सुधार करेगा कौन? और अलग अलग धर्मों को अगर धार्मिक मामलों में भी अलग अलग चश्मे से देखा जाएगा तो फिर न्याय का सिद्धांत कहीं ना कहीं बेमानी हो जाता है। तो आसिफ खान जी, आप सहमत हैं अश्विनी उपाध्याय जी ने जो बातें कही हैं? वो कह रहे हैं कानून में ही झोले, इस वजह से ऐसी स्थिति बनती है, कोई कुछ भी आकर कहकर निकल जाता है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती और वो सब पर लागू होता है। नहीं, अश्विनी उपाध्याय जी को शोभा नहीं देता कि वो इस तरह के भारत के कानून को गाली दे। भारत के कानून को गाली देना, भारत की जुडिशरी को गाली देना और लीगल फ्रेटर्निटी को, जिसको वो खुद को अपने आप को जिसका हिस्सा कहते हैं, उसको गाली देना ये गलत बात है।
इन पे तो कंटेम्प्ट का इशू होना चाहिए। अंग्रेजी कानून घटिया है, मैं गाली नहीं देता, मैं हर साल होली के दिन अंग्रेजी कानूनों की होली जलाता हूँ। मैं 200 कानून हर होली पे खरीदता हूँ और उनकी जलाता हूँ। मैं आपको फिर से रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, यूट्यूब पे जाइए, कानून जलाने का वीडियो मिलेगा। हर होली पे मैं चित्रा जी, हर होली पे मैं अंग्रेजी कानूनों की होली जलाता हूँ। वो कह रहे हैं अंग्रेजी कानूनों की होली जलाता हूँ मैं, और उसमें अगर खामियां है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। नहीं देखिए, अगर इन्हें अमेरिका का कानून बहुत पसंद है और ये भारत के कानून को घटिया बोलते हैं, तो इन्हें चाहिए कि ये खुद अमेरिका चले जाए। 1950 से पहले बने कानून, प्लीज कंफ्यूज मत करिए। डेट में मैकाले के कानून, फिर से कह रहा हूँ, मैकाले के कानून, ये क्यों बोले जा रहे मेरे ऊपर में? इतनी तो भद्रता दिखाइए। एक तो ऐसे ही आपने आपने अपना पहचान दे दिया है भारत के कानून को गाली दे करके। अब थोड़ा सा आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ मैं बार बार अंग्रेजी कानून कह रहा हूँ, मैं काले का कानून कह रहा हूँ, आप उसको भारतीय कानून कह रहे हो। आपको अंग्रेजों की गुलामी करना हो करिए, आपको अंग्रेजी कानून पसंद है तो आप पसंद करिए। मुझे अंग्रेजों से नफरत है, अंग्रेजी कानून से नफरत है, अंग्रेजी व्यवस्था से नफरत है, अंग्रेजी सोच से नफरत है, अंग्रेजी हर वो हर चीज जो गुलामी का है उससे नफरत है। किताब लेकर के आप बैठे हुए, आप तारीफ कर रहे हैं कि अमेरिका कानून को कॉपी कर लेना चाहिए इंडिया में, और आप ही कह रहे हैं कि भाई अंग्रेज मैं तो कह रहा हूँ तो 150 साल पुराना कानून क्यों आज का आज के कानून ले लेते हैं? नहीं है आप, मैं तो पुलिस रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म की बात कर रहा हूँ, आप उसकी बात ही नहीं कर रहे हो। आप इलेक्शन रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात नहीं कर रहे हो। मैं आपको समाधान बता रहा हूँ, आप क्यों मना कर रहे हो? आप अमेरिका का कानून लेकर के आए हैं, आप कह रहे हैं कि अंग्रेज मुझे ये बताइए जो समस्या भारत में हो अमेरिका में क्यों नहीं है? जिस तरीके की अराजकता भारत में हो सिंगापुर में क्यों नहीं है? जिस तरीके की अराजकता भारत में हो कोरिया में क्यों नहीं है? जैसी अराजकता भारत में हो चाइना में क्यों नहीं है? भारतीय जुडिशरी को, भारतीय कानून व्यवस्था को आगे बढ़ते हुए सवाल ये है कि आखिर इस तरह की बदजुबानी, ऐसे व्यक्ति को इस तरह की बदजुबानी क्यों जारी रहती है? उस पर लगाम लगा पाने में ये देश क्यों कामयाब नहीं रहा है? सवाल तो ये है ना, और सवाल ये भी है कि हर धर्म को अगर धार्मिक मामला एक जैसा होता है तो उसको एक ही चश्मे से देखा जाना चाहिए। लगाम बदजुबानी पे लगाम लगाना क्यों कामयाब नहीं रहा? कोलकाता पुलिस से समन भेजा जाता है, दिल्ली पुलिस वहां पे अक्यूज को प्रोटेक्शन दे रही है, क्यों दे रही है प्रोटेक्शन? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि तुम्हें कोई नो वन कैन डेयर टू टच यू, उसके बावजूद अरे महुआ मित्रा पे बात हो रही है, आप बताओ एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है? आज डिबेट महुआ मित्रा पे, जिनके हाथ में बहुत डिबेट लंबी हो चुकी है, महुआ मित्रा के ऊपर डिबेट है। महुआ मित्रा ने माँ काली का अपमान किया, महुआ मित्रा ने पूरी दुनिया में पहले 150 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया है, महुआ मित्रा ने बंगालियों का अपमान नहीं किया, सारे के सारे पूरे दुनिया में पहले हिंदुओं का अपमान किया। महुआ मित्रा को न तो एफआईआर हो गई, न महुआ मित्रा को अगर कहीं कमी है तो उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। और सवाल ये भी है कि अगर एक पार्टी खुद को अलग करती है एक सांसद के बयान से, तो बतौर सांसद क्या उनको माफी नहीं मांगना चाहिए? और दो अलग अलग मामले यहाँ पर नुपुर शर्मा और महुआ मित्रा के, दोनों ही मामलों में क्या एक जैसे नजरिए की जरूरत है या फिर कानून को अपना काम करने देना चाहिए? उसको भी लेकर यहाँ पर बहुत सारी बातें और अलग अलग राय क्यों पनप जाते हैं? मैं सीधे विक्रम सिंह जी आपके पास आते हुए, मौजूदा जो स्थिति बनी हुई है, धर्म के नाम पर इतनी ज्यादा बहस तो हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि अगर धार्मिक मामलों में कोई किसी की अभिव्यक्ति की आजादी का तर्क देता है तो कोई भावनाओं को आहत करके चला जाता है और फिर वो तर्क गढ़ता रहता है कि नहीं ऐसे ये महुआ मित्रा वाले मामले में अब तक उन्होंने माफी नहीं मांगी, वो भी तब जब उनकी पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है उनके बयान से, तो इसके पीछे क्या समझ उनकी नजर आती है? चित्रा जी नमस्कार और सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। राजनीति मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं फिर भी भारतीय होने के नाते कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा केवल चार वाक्यों में। वाक्य नंबर एक कि कानून हमारे इतने सशक्त हैं, सक्षम हैं। अब मैं AK-47 अगर अश्विनी जी को दे दूं, कह दूंगा कि 1 किलोमीटर दूरी पे दूरबीन लगा करके तीसरे बटन चला दें, अश्विनी जी नहीं लगा पाएंगे। गलती AK-47 की नहीं है, गलती इस बात की है कि अश्विनी जी की ना तजुर्बेकारी या उससे अनभिज्ञता। वही अश्विनी जी मुझे अगर सिविल प्रोसीजर कोड दे दे, पूछे कि धारा 52 के बारे में प्रकाश डाले, तो मैं कहता हूँ मुझे तो कुछ नहीं आता है। कानून बिल्कुल सख्त है, सक्षम है, और मैं तो कहता हूँ शुरुआत करें अश्विनी जी 295(1)-53A से और ग्रेजुएट करें आप राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उपधारा 1 पब्लिक ऑर्डर 1 साल, UAPA 7 साल, और मैं बताना चाह रहा हूँ UP गैंगस्टर्स एक्ट और मकोका
जिंदगी खत्म हो जाएगी, चल अचल संपत्ति कुर्क हो जाएगी। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन इन्हीं कानूनों के जरिए 150 साल किया है, लेकिन पहले जो एग्जिस्टिंग लॉ है हमने उसके ऊपर तो काम ही नहीं किया, और हम चाह रहे दूसरे पहले इन कानूनों का सदुपयोग कर लें। लेकिन जो स्टेट्स, अब हम आते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड FIR, इस टर्म को समझ लें। FIR जो अगर हम कराएं नैसर्गिक तरीके से, नेचुरल तरीके से होनी चाहिए, लेकिन अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड, इनके खिलाफ स्टेट में होगी, इनके खिलाफ उस स्टेट में होगी। और अश्विनी जी, मेरा आपको बहुत आसान और मुफीद मशवरा है, तौसीफ साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है, आपको अगर अमेरिका का कानून पसंद है तो अमेरिका जा सकते हैं। जैसे मशवरा मैं भी देता हूं कि जिनको तालिबानी कानून पसंद है तो उनके लिए 8 मुल्क हैं जहां शरीयत चलती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, नाइजीरिया, मोरिटानिया, वहां चले जाएं। ये नहीं है, अगर हम भारत में हैं तो भारत के कानून की बात करेंगे और उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं। बिल्कुल, भारत सबका है चित्रा जी, और इस कानून के अंतर्गत किसी को हक नहीं है कि किसी के पैगंबर, देवी देवताओं का अपमान करे। और ये जो नौटंकी है राजनीतिक मित्रों की हमारी, कि वो उनका निजी है, इसके पहले राजीव गांधी की सरकार में के तिवारी मंत्री थे, वो ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति के बारे में ऐसे करते थे, लोग ये कहते थे ये इनकी निजी टिप्पणी है। ज्ञानी जी ने राजीव जी को बुलाया कि कल तक अगर तुमने बर्खास्त नहीं किया तो हम तुम्हारी सरकार बर्खास्त कर देंगे। अगले दिन के तिवारी साहब मंत्री जी बर्खास्त हो गए और चले गए राजनीतिक वनवास में। ये राजनीतिक में अगर कोई व्यक्ति है या पुलिस में या फौज में, तो उसके दर्शन और उसकी फिलॉसफी के अनुरूप काम करना होगा, मनमाने तरीके से लूज कैनन की तरह, मोटर माउथ की तरह नहीं बोल सकता है। लेकिन यहां पर तो परिस्थिति अलग है ना, यहां पर अपने नेता को बचाने की और दूसरे पर कीचड़ उछालने की लगातार कोशिश और कवायद जारी है। और यहां पर मैं सीधे प्रेम शुक्ला जी आपके पास आते हुए, चूंकि महुआ मित्रा ने जो कविता ट्वीट की है उसकी 2-3 लाइनें आपके लिए भी हैं और मुझे लग रहा है संजय शर्मा जी के लिए भी हैं, क्योंकि TMC को एक तरफ उन्होंने अनफॉलो किया ट्विटर अकाउंट पर, तो दूसरी तरफ बहुत सारे उपदेश भी दिए हैं महुआ मित्रा ने। प्रेम शुक्ला जी गौर से सुनिएगा, वो लिखती हैं कि जेल जाने का उनको डर दिखाया जा रहा है। अगली पंक्ति में वो लिखती हैं कि उन्हें चुप रहने के लिए आखिर क्यों कहा जा रहा है। फिर तीसरे स्टैंजा में कि सबको चुप रहने का ही नतीजा है। चौथी पंक्तियों में JNU से लेकर पेगासस और किसान आंदोलन तक की बात उनकी ओर से कही जाती है, और बार बार इस बात पर वो जोर दे रही हैं कि दरअसल डरा धमका कर अगर बीजेपी चाहती है कि अपनी मंशा में कामयाब हो जाएगी, उनकी कई ट्वीट से इस तरह की बातें जाहिर होती हैं, तो वो इस पूरे मामले में बैकफुट पर कतई जाने वाली नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए कोई किसी को डरा नहीं रहा है, संविधान और कानून के अनुपालन के लिए आपसे मांग करना या डराना धमकाना नहीं होता है। आप अगर किसी भी पंथ के, धर्म के, समुदाय के भावनाओं को आहत उद्देश्यपूर्ण ढंग से करती हैं और उस उद्दंडता पर कायम रहती हैं, तो यह भारतीय दंड संहिता के तहत ये जो है कानूनन दंडनीय है। ऐसा अश्विनी जी भी मानेंगे, विक्रम सिंह जी भी मानेंगे, यहाँ पर और 3 वकील बैठे हैं वो भी मानेंगे। बीजेपी को उन्होंने लिखा है, मैं बीजेपी को चैलेंज करती हूँ कि देश में कहीं भी प्रूफ करे कि मैंने जो कहा है वो गलत है। नहीं, उन्होंने जो कहा पूरी तरह गलत है। कोई ये प्रूव कर दे कि LGBTQ यानी हमारी किसी देवी की यौनिकता पर कोई एक विद्वान एक तरह का प्रमाण दे दे, मैं पूरे बंगाल के शक्ति के उपासना करने वाले सारे विद्वानों को प्रणाम करके ये प्रश्न करता हूं कि LGBTQ का पोस्टर माँ काली के जो है ऊपर लगाए रखना, ये कैसे उनका अपमान नहीं, मुझे बताइए। ये तो उस फिल्म मेकर कोई, ना कोई बता दो, दक्षिणेश्वर काली मंदिर के उनका बयान ये उसी का समर्थन कर रही है, उसी का समर्थन कर रही है कि माँ काली मांसाहारी है, उसी का समर्थन कर रही है वो। आपको लग रहा है कि समर्थन कर रही है लीना का? उसी का समर्थन कर रही। उन्होंने साफ जो उत्तर दिया है कॉन्क्लेव में, उन्होंने लीना का समर्थन करते हुए ये तर्क दिए हैं, और उनके तर्कों को दक्षिणेश्वर काली मंदिर के जो सबसे ज्यादा इस मामले में सेवा के कारण विद्वान और अधिकृत संस्था है, उस संस्था के पुजारियों ने भी उनके इस बयान को मां काली की अवमानना माना है। इसके बाद अगर TMC महुआ मोहित्रा पर कार्रवाई नहीं करती, महुआ मोहित्रा अगर क्षमा प्रार्थना नहीं करती, महुआ मोहित्रा अगर बंगाल में गिरफ्तार नहीं होती, वो तो उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, इसका सीधा सा मतलब है कि आप सेक्युलरिज्म का पाखंड कर रहे हैं। ट्वीट किया है, उसको रिट्वीट किया है, हम दिखा भी रहे हैं।
टीएमसी तो मान ही रही है कि उन्होंने जो कहा है वो पूरी तरह से गलत है, लेकिन यहाँ पर मैं सीधे आपके पास आते हैं। लेकिन दंडित करने की प्रक्रिया क्यों नहीं बढ़ा रही है? दंडित करने की प्रक्रिया आखिर क्यों नहीं आगे बढ़ा रही है टीएमसी? और यहाँ पर जरा मैं आ जाती हूँ, महुआ मित्रा ने जो आप लोगों को नसीहत दी है अपनी कविता के जरिए, आपने अगर नहीं पढ़ा हो तो सुन ले। वो अपने आखिरी की लाइनों में लिखती है कि चुप रहोगे तो यही होगा, और फिर वो कहती है चुप मत कराओ, आओ साथ खड़े हो जाओ। उनकी ओर से कहा गया है डोंट टेल हर टू बी केयरफुल, स्टैंड विथ हर इन स्टीड। तो इस पर तो नहीं, नहीं क्या है आप लोगों का स्टैंड? इसका मतलब कह रही है मैंने देवी जी को गाली दिया, तुम लोग भी आ जाओ, कोई लक्ष्मी को गाली दो, कोई सरस्वती को गाली दो, कोई हनुमान जी को गाली दो, कोई राम को दो, कोई कृष्ण को दो, कोई विष्णु को दो, कोई शंकर को दो, सबको साथ बुलाने का मतलब ही हुआ कि मैंने एक को गाली दे दिया, बाकी लोग और लोगों को आके गाली दो। उनसे जवाब ले लेते हैं। संजय शर्मा जी, जी मैं पहले ये स्पष्ट कर दूं, महुआ मित्रा ने स्वयं माँ काली के पोस्टर संबंधी जो बात थी उसका खंडन किया है, उसके समर्थन में उन्होंने नहीं कहा। उस पोस्टर का हम भी विरोध करते हैं और सभी लोग जो सनातन अध्यात्म चेतना को मानने वाले, जानने वाले और उनके सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं, वो ऐसे पोस्टर का समर्थन कदापि नहीं कर सकते। और दूसरी बात, गलत बयान दिया था जिसके बाद टीएमसी ने अपने आप को बैक कर लिया। सर कौन से बयान पर आपने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, माँ काली के पोस्टर संबंधी जो विवाद है, उस पोस्टर के संबंध के बारे में मैं कह रहा हूँ। नहीं, महुआ मोहित्रा के किस बयान से आप लोगों ने खुद को अलग किया, मैं ये जानना चाहती हूँ। इसके बयान से, महुआ मोहित्रा के? नहीं, महुआ मोहित्रा ने तो जो बयान शुरू में दिया था हमने तो हाथों हाथ उसका खंडन किया है। फिर वो माफी क्यों नहीं मांग रही है? माफी मांगने के बजाय वो आप लोगों को भी बुला रही है। अब देखिए, बंगाल सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? महुआ मित्रा संविधान के ऊपर है क्या? बंगाल क्या जो बात महुआ मित्रा ने बोला, यही बात एक सामान्य बंगाली बोला होता, सामान्य कोई नागरिक बोला होता, तो कार्रवाई होती कि नहीं होती, बस इतना बताइए। संविधान सर्वोपरि है, उसके ऊपर कोई होने की सोच भी कैसे सकता है, ये बात मेरी समझ से बाहर है। लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की ओर से, संजय शर्मा जी उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी, उनकी ओर से आज जो बयान दिया गया है, मैं एज इट इज अपने दर्शकों को वो बयान जरूर बताना चाहूंगी। उन्होंने कहा है कभी कभी मुझे लगता है कि हम हमेशा किसी भी नकारात्मक मुद्दे पर विवाद पैदा करने पर जोर देते हैं। आगे वो कहती हैं, हर रोज नए काम हो रहे हैं मगर मीडिया उन चीजों के बारे में नहीं बताता, मीडिया पर सवाल खड़े कर रही हैं। आगे वो कहती हैं, कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं, कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं। नेताजी सुभाष ने कहा था भूल करने के लिए लिखो, जो काम करना है उसमें गलती हो सकती है, इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए चिल्लाना क्यों? यही बात तो बीजेपी नुपुर शर्मा वाले मामले में कह रही थी। तो आपकी नेता के लिए मामला अलग हो जाए और बीजेपी की नेता के लिए मामला अलग हो जाए, इस तरह का चश्मा पहनना तो ठीक नहीं है सर। टीएमसी नहीं, ये इस तरह के चश्मे की बात नहीं है, लेकिन दो बातें अलग अलग परिप्रेक्ष्य में है। एक के बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट जब अपनी राय देता है और सुप्रीम कोर्ट की बातें आने के बाद जिस तरह सुप्रीम कोर्ट तक को ट्रोल किया जाने लगा था, हमें उन परिस्थितियों पर भी गौर करने की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपने पढ़ा है? ऑर्डर में कुछ लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान बहुत सारी ऑब्जर्वेशन होती है, आप मुझे बताइए, आप ऑब्जर्वेशन को मानते हो कि ऑर्डर को मानते हो? लेकिन सर अश्विनी जी टिप्पणियां तो थी ना। संजय शर्मा जी मैं आ जाती हूँ, कम से कम आप ही बड़ी लकीर खींच देना, अगर बीजेपी नहीं कर रही है उसी को आईना दिखा दें कि देखिए कानून का राज क्या होता है, कोई भी धार्मिक भावनाओं को भड़काएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्यों नहीं आप नजीर पेश कर देते हैं दूसरों को दिखाने और दिखाने से क्या होगा? उसको असंबद्ध किया है और उसका खंडन किया है कि हम उसके साथ नहीं है। अरे वो तो मानने के लिए तैयार नहीं, वो आपकी पार्टी के सांसद हैं, वो आपकी पार्टी के सांसद हैं। उधर नुपुर शर्मा ने जो कहा उस पर उन्होंने माफी भी मांगी और पार्टी ने बाहर कर दिया, ये तो आपकी पार्टी के सांसद हैं और माफी मांगने तक को तैयार नहीं है। नुपुर शर्मा ने किन परिस्थितियों में कैसे शब्दों में माफी मांगी, या आप भी जानते हैं चित्रा जी और हम भी जानते हैं। जहां तक ये मामला है, हमारी पार्टी हमेशा देश के संवैधानिक मूल्यों के प्रति और सांप्रदायिक सौहार्द के प्रति वचनबद्ध रही है। हम ये मानते हैं कि ये देश सबका है। ममता दीदी किसके लिए लिख रही हैं? इसके लिए इतना ज्यादा चिल्लाना क्यों? कौन चिल्ला रहा है? बातें हैं तो देश का कानून है, भाजपा के बहुत से लोगों ने FIR करवाई है। अगर किसी ने गलत बयानी की है तो कम से कम माफी बनती है या फिर नहीं बनती है? संजय शर्मा जी, महुआ मोहित्रा को काली माता पर दिए गए अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए? देखिए ये मैं उन पर छोड़ता हूँ, लेकिन कोई ऐसी बात हो, अच्छा सरकार को कार्रवाई करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए वो छोड़ दीजिए, महुआ मित्रा नहीं कर रही है, बंगाल की सरकार। ठीक है, मैं एक
बड़ी बड़ी खबर के बाद फौरन आपके पास आ रही हूँ अश्विनी जी। लीना के विवादित पोस्ट पर एक्शन में मध्य प्रदेश सरकार है। आपको बता दें एक तरफ तो जहां मध्य प्रदेश में मामला भी दर्ज हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच ने ट्विटर को लिखी है चिट्ठी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वैसे तो जो पोस्टर लीना की ओर से ट्वीट किया गया था माँ काली का, उसको हटा लिया गया था ट्विटर की ओर से, लेकिन लीना के विवादित पोस्ट को हटाने के लिए कहा है ट्विटर को। आईटी एक्ट का दिया गया है हवाला। मध्य प्रदेश सरकार पूरे मामले में काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। लीना के विवादित पोस्ट पर एक्शन में एमपी सरकार। आपको बता दें मध्य प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले में, यानी कि जो कोलकाता में चल रहा है उस पर भी पूरे एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। सांसद को लेकर भी वो आगे कार्रवाई किस तरह से की जाए उसको लेकर लगातार विचार विमर्श हो रहा है। इन सब के बीच क्राइम ब्रांच ने ट्विटर को लिखी है चिट्ठी और ये कहा है कि लीना मणि मेकलाई का पोस्ट हटा दिया जाए। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ट्विटर को ये चिट्ठी भेजी गई है। जिस तरह की स्थिति मौजूदा वक्त में बनी हुई है, ये भी बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया के जरिए जो नफरत फैलाई जा रही है अश्विनी जी, इस पर भी गौर करने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी आता है किसी भी तरह का पोस्ट ट्वीट, और लीना ने तो माफी भी नहीं मांगी और यहां तक यह कि बाद एक ट्वीट करके उसकी ओर से अपनी बातों को जायज ठहराया जा रहा है। आज फिर उसने ट्वीट किया है भगवान भोले शंकर का और माता रानी का। चित्रा जी, विदुर जी ने कहा था सठे साठ्यम समाचरेत, लोहा ही लोहे को काटता है। मैंने कहा था लेकिन शायद लोगों ने समझा नहीं, जैसे भारत के इंडियन पिनल कोड में अपहरण में 7 साल की सजा है मैक्सिमम, वैसे अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में अपहरण की सजा है 100 साल। जैसे जो ट्वीट लीना ने यहां किया है देवी देवताओं के बारे में, इसमें मैक्सिमम सजा होगी 3 साल इंडियन पिनल कोड के हिसाब से। यही सजा फेडरल पिनल कोड के हिसाब से 30 साल की है। तो कहां 3 साल, कहां 30 साल, 10 गुना सजा बढ़ गई? नहीं बढ़ गई। कानून का खौफ होगा, खौफ तो जब तक खौफ नहीं होगा, सठे साठ्यम समाचरेत, जब तक खौफ नहीं होगा और जल्दी जल्दी सजा नहीं होगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वो जो जयपुर उदयपुर वाला खादिम था, उसने 15 अपराध कर दिए। अगर पहले अपराध में उसको दंड मिल गया होता, कठोर दंड मिल गया होता, तो शेष 14 अपराध नहीं करता। दूसरा, उसने 15 अपराध किए तो उसको देख के, हाँ जो खादिम क्या नाम था, अजमेर का, तो उसने 15 अपराध किए। अगर पहले अपराध में सजा हो गई होती 10-20 साल की, तो दोबारा अपराध नहीं करता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत में अगर किसी ने कहा 5-15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ और उसको अगर सजा मिल गई होती 10-20 साल की, तो ये नेता जो बतौलेबाजी करते, बतौलेबाजी नहीं करते। वारिस पठान को बोल रहे हैं आप? मैं वारिस पठान को कह रहा हूं। और देखिए कानून कितना घटिया है, उस व्यक्ति का वीडियो आज भी यूट्यूब पे है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ और मैं आपको जो है हिंदू खत्म कर दूंगा, और वो कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाता है। अरे घटिया कानून का इससे बड़ा एग्जांपल और क्या चाहिए? लाइव एक व्यक्ति ने बोला, उसका वीडियो आज भी अवेलेबल है। हाँ। और कोर्ट उसको बाकी सबूत के अभाव में बरी। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी। हाँ। इसलिए कह रहा हूँ 1860 का इंडियन पिनल कोड, 1861 का पुलिस एक्ट, 1872 का एविडेंस सहित जितने भी 1950 के लिए कानून जैसे होने चाहिए, बारिश पठान जी क्या सहमत हैं आप इस बात से? और ये बात तो सही है, सबने सुना था, इनकार तो कोई कर नहीं सकता। अभी इन्होंने पुलिस हटाने वाली बात, अभी 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 इन्होंने बोला, अभी इन्होंने बोला ना, अभी मुझे बोलने तो, अभी मैं ये बतौलेबाज टपोरी वकील को जवाब दूंगा। इन्होंने सबसे पहले तो हमारे हिंदुस्तान के देश के कानून की धज्जियां उड़ाई है, इनको माफी मांगना चाहिए पूरे देश के सामने। इनको कानून मालूम नहीं है। सुनो बतौलेबाज, सुनो टीवी चैनल पर, और जब देश के सबसे बड़े चैनल पर बैठे हो, आपसे भी गुजारिश है, बाकी लोगों से भी कम से कम बदजुबानी नहीं करें। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बतौलेबाज बीच में नहीं बोलते, खामोश रहो। आप सुनिए, इन्होंने मुझे बोला बतौलेबाज, मैंने शुरू किया था क्या? नहीं ना, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, प्रयोग है। सुनो, आ जाते हैं मेन मुद्दे पर, जो सवाल। सुनो, अरे सुनो सुनो, अमेरिका, इनको कानून मालूम ही नहीं। अमेरिका में 7 साल मतलब डे और नाइट गिना जाता है, और हिंदुस्तान में 3 साल मतलब पूरे 3 साल कैलेंडर ईयर के गिने जाते हैं, इसको पता नहीं है। आप अमेरिका ही चले जाओ, आपका देश में काम नहीं है। ये देश के अंदर आपने कानून को पसंद नहीं करते और चाहते हो कानून ऐसी नहीं दिया था, और वो बरी हुआ कि नहीं हुआ, क्यों बरी हुआ? खामोश बैठो, यही तो मैं कह रहा हूँ, इतना घटिया कानून। बात नंबर दो, वीडियो है, राजू दास ने कहा, उसके बारे में खंडन किया आपने, राजू दास ने कहा, और वीडियो आज भी है। एक बार उसकी बात हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा। अभी देखो, फिर मैं इसके खिलाफ अपशब्द यूज करूंगा चित्रा जी, फिर मेरे को बोलना नहीं, बीच में मैं नहीं बोला था, मैं खामोश बैठ के डिबेट कर रहा था, लेकिन अगर इस तरह से मुझे बीच में बोला जाए, इसके आवाज से ज्यादा भारी आवाज मेरा आवाज है, ठीक है? तो नेता बदजुबानी, तो आप बदजुबानी, इनको भी समझाइए आराम से, बदजुबानी
मेरी जुबान की आतिशबाजी का ये मुकाबला नहीं कर सकेगा, इसलिए खामोश इसको रखिए, मैं बोलता हूँ मेरी बात। सर प्लीज यहाँ पर आतिशबाजी मत कीजिए, मैं दूंगा ठीक है। अब बात नंबर दो, इन्होंने किसी भी तरह राजू दास की, राजू दास ने जो कहा कि सतन से जुदा कर देना चाहिए, उसका इन्होंने खंडन किया नहीं किया। इन्होंने कहा कानून खराब है, 153-295 खराब है, नहीं कानून सही है, इम्प्लीमेंटेशन जो सेलेक्टिव होता है ना वो खराब है। उसी कानून के तहत मोहम्मद जुबैर को अरेस्ट किया गया है, जो कानून नुपुर शर्मा पे लगा है, मगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया, उसको बचाया जा रहा है। जब मुंबई की पुलिस ढूंढने गई तो गायब कर दिया गया। और क्या होता है जब मोदी खामोश रहता है ना, वायलेंस के ऊपर टिप रुकने की बात नहीं करते, तब कानून की वजह होती है। अरे यार तुमको बोलने का टाइम तो दिया था ना, क्यों बोले नहीं अपनी बात? जब नहीं बोलने आता क्यों आते हो खराब करने डिबेट को? सुनिए अब बात नंबर दो, वकील साहब नुपुर शर्मा पे भी एफआईआर है, कितने राज्यों में एफआईआर है, तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं करते लोग? महान दास का आपने क्यों नहीं किया? महान राजू दास के बारे में क्यों नहीं कह रहे कि जुबान नहीं थी उसके बारे में बोलने के लिए? उन्होंने सही कहा, गलत के चरिए इस बात का खंडन करिए। अकबरुद्दीन का लेटेस्ट वीडियो आया, अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ, सुनिए आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, बतौले बात आपको ज्ञान दे रहा हूँ। ज्ञान दे रहा हूँ, अकबर ओवैसी के खिलाफ जो उपहार हुआ था, अकबर ओवैसी लंदन में इलाज कर रहे थे, इलाज छोड़ के आए, हड़ताव पे आते हैं ना, हड़ताव पे हर तरफ से आते हैं, इसके लिए किसी एक 40 दिन के बाद बेल हुआ, बेल पे आने के बाद 10 साल केस चला, केस के बाद जज ने दोनों तरफ को सुन के उनको रिहा कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। क्या सामने गई सरेंडर करी? सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी कि जो देश की व्यवस्था खराब हुई है उनकी वजह से हुई है, उदयपुर की घटना उनकी वजह से हुई है। और प्यारे वकील साहब, उदयपुर की घटना में जो कातिल है उसके कानून घटिया है, अब कौन ठीक करेगा कानून? कोई बाहर से आके तो नहीं ठीक करेगा ना, सरकारों को करना है। तो सरकार क्या कहना चाह रहे हैं? जिस देश का कानून अच्छा हुआ चले जाइए, जिस देश का कानून अच्छा हुआ चले जाइए। ठीक है, आप यानी कि प्रेम शुक्ला जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगी सवाल के साथ। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं आप निकल जाइए देश से, इमीजिएटली निकलिए भारत देश से, इमीजिएटली। अब मैं इसको बोलूंगा बतौले बात, टपोरी वकील है, इसलिए मैं एक एक करके फाइल करता हूँ सुप्रीम कोर्ट। बोलूंगा मैं, ठीक है चलिए, बोलूंगा मैं तुम्हारे बीच में, बोलने नहीं दूंगा बेटा आप। अरे सड़क छाप बतौले बात, ठीक है बारिस पठान जी हो गया यहाँ पर। एलिमेंट का मतलब क्या है हिंदी में मालूम है? सड़क छाप, और मुंबई की भाषा में क्या बोलते हैं सड़क छाप को? टपोरी। सुनो आप, आपको हिंदुस्तान के कानून नहीं पसंद है, निकलिए अमेरिका चले जाइए। क्यों रहते? किसने रखा आपको? किसने बोला यहाँ पे आके मेरे देश के कानून की मजाक करने का आपको अधिकार किसने दिया? मैं चाहूंगा कि पुलिस वरिष्ठ अधिकारी इस चैनल की डिबेट को देखे, और इस जैसे वकील जो अपने आप को वकील बोल रहा है इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनको देश के कानून की धज्जियां उड़ाने के तहत मामला दर्ज करके इसको जेल में डालना चाहिए। तुम्हारी जगह स्टूडियो में नहीं है, यहाँ जेल में। तुम्हारी जगह स्टूडियो में नहीं है, जिस तरीके से देश देवताओं का अपमान कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, आप नुपुर शर्मा की मांग कर रहे हो, मैं कानून की धज्जियां उड़ा रहा हूं, कानून को सबसे ले रहेगा ना, ऐसा थोड़ी होगा। ठीक है, मेन मुद्दे पर आप इधर उधर नहीं जाते हुए, मैं सीधे टीएमसी के जो नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके पास आते हुए। संजय शर्मा जी, अब सवाल तो आपसे भी पलट कर पूछा जाएगा, प्लीज वारिस पठान जी, मैं उम्मीद करती हूँ पूरा देश देख रहा है, यहाँ पर घर के भीतर तो डिबेट होनी रही है, प्लीज सभी से, आपसे भी अश्विनी जी और वारिस पठान आपसे भी, प्लीज हो गई आपकी बात, ठीक है समझ में आ गया कि बदजुबानी अगर शुरू होगी तो एक दूसरे को कितना नीचा दिखाया जाए वो सारी लक्ष्मण रेखा आप लोग पार कर जाएंगे, मुझे नहीं जाना है उस पर। मैं सीधे आपके पास आते हुए संजय शर्मा जी, सीधा से सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं, वहां पर भी तो मामला दर्ज कराने के लिए जगह जगह कई लोग गए, लेकिन एक जगह भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, बीजेपी इसको लेकर सवाल पूछ रही है आप लोगों से, तो वहां पर तो स्थिति कोलकाता में ऐसी बनाकर रखी गई है कि अगर एक नेता जो धार्मिक भावनाओं को आहत करती हैं उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उसमें भी कामयाबी नहीं मिल पा रही है, बचाने की कोशिश कर रही है क्या टीएमसी? नहीं, बचाने की कोशिश कतई नहीं है, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं, किसी भी थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है, बीजेपी के लोग यदि जाते हैं तो जरूर एफआईआर दर्ज होगी। कल मैंने शिकायत पड़ी हुई है, कल मैंने बीजेपी प्रवक्ता का बयान सुना था कि हमने इतनी एफआईआर दर्ज करा दी है, हम ये करेंगे वो करेंगे, आज ये बात दर्ज कराई है, एफआईआर नहीं हो रहा, यही तो शिकायत है, शिकायत लेके वो पहुंचते हैं एफआईआर के लिए लेकिन दर्ज नहीं होता है, बीजेपी यही तो कह रही है कि आप लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा लगना बातें कहना बीजेपी की खासियत रही है, ये शुरू से लोगों को मिसगाइड करने में इनको एक महारत हासिल हो गई है। ठीक है, आज के दिन एफआईआर दायर करना कोई बड़ी बात, पार्टी संपर्क में है उनसे या महुआ जिस तरह के तेवर आप लोगों को भी दिखा रही है,
नाराजगी तो नहीं है दोनों लोगों के बीच में? छोटा सा जवाब जी, एक बार फिर मैंने सुना नहीं। पार्टी ने माफी मांगने के लिए कहा है कि गलत बयानी हो गई, माफी मांग के मामले को खत्म करो। देखिए, दीदी ने आज कहा है कि किसी को भी कुछ बोलने के पहले सोचना चाहिए, हमें ऐसी बातें कहीं किसी भी हालत में नहीं कहना चाहिए कि जिससे लोगों के मन में दुर्भावना हो, लोगों के मन में। यानी कि आप लोगों ने मान लिया है कि बिना सोचे उनकी ओर से बोला गया, और वैसे भी पुरानी कहावत है तोल मोल कर बोलने के लिए, लेकिन क्या जिस तरह की बदजुबानी जारी है खासतौर से धार्मिक मामलों में, इस पूरे मामले में लगाम लगाने के लिए क्या करना होगा? और खासतौर से महुआ मोहित्रा के मामले में जिस तरह से उनकी जुबान फिसली या जो कुछ भी अपनी बातों को जायज ठहराने के लिए एक के बाद एक ट्वीट वो कर रही हैं और कह रही हैं कि देश के किसी भी हिस्से में चली जाए बीजेपी, मैं तो माफी नहीं मांगूंगी और कानूनी लड़ाई लड़ूंगी। आज दंगल का हमारा सवाल है कि अब महुआ मोहित्रा को देवी काली पर भड़काऊ बयान देने के लिए माफी मांगनी चाहिए? आपके जो जवाब मिले हैं 78% लोगों का जवाब हां में है, जबकि 22% लोगों का जवाब नहीं में है। अब महुआ मोहित्रा इस पूरे मामले में आगे क्या करती हैं? पार्टी ने तो उनसे अपने आप को बैक कर लिया है उनके बयान का समर्थन नहीं करते हुए, लेकिन महुआ अपने बयान पर कायम है। आगे क्या होगा इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल में या फिर देश में, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।